ये हमारे पास भी एक नेटवर्क है, ठीक है। इसमें जो कलर वाले बॉक्स के अंदर हमने दो स्विचेस रखे हुए हैं, हम चाहते कि इनमें VLAN कन्फिगर ना हो हमारा, बाकी जो और इस नेटवर्क में और सारे स्विचेस हैं उन पर कन्फिगर होता है। चलो सबसे पहले हम स्विच 0 पर गए हैं, इसके बाद से हम सबसे पहले VLAN देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो बाई डिफ़ॉल्ट VLAN क्रिएट होते हैं वही है, और जो बॉक्स के अंदर है अभी इसके अंदर भी हमारे पास में कोई VLAN क्रिएट नहीं है, बिल्कुल फ्रेश पीस हैं ये, तो इनमें बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे VLAN होते हैं वही शो हो रहे हैं। ऐसे स्विच 2 में एनेबल की कमांड, उसके बाद से शो VLAN, इसमें हम सारे अपने VLAN जो हमारे नेटवर्क में क्रिएट हुए हैं उनको हम देख सकते हैं। इसी तरह से हम अपने सारे स्विचेस के अंदर एक बार पहले VLAN देख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी बाय डिफॉल्ट VLAN ही क्रिएट हुए हैं अभी। इसके अंदर भी बाय डिफॉल्ट VLAN ही क्रिएट हुए हैं, और जो बाकी अभी हमारे पास में दो VLAN है, सो VLAN, ओके। तो हमारे पास में अभी जितने भी स्विचेस हैं ये बिल्कुल फ्रेश नेटवर्क है, अभी इसमें हमारे पास में एक VLAN हमने क्रिएट नहीं किया हुआ है, ठीक है। सब में जो बाय डिफॉल्ट VLAN होते हैं वही सो रहे हैं। तो अब चलो हम सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड पर जाते हैं, ठीक है। VTP कॉन्फ़िगर करते हैं। VTP का मोड हमें पहले सबसे पहले हमें सर्वर करना पड़ेगा। VTP डोमेन का नेम दे देंगे, हमें कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर सिस्को दिया है, और VTP पासवर्ड मैंने यहाँ पर अपने चैनल का नाम दे दिया है, ठीक है। एक्सेट, तो यही कमांड हमें सब स्विचेस पे देनी है, लेकिन बस मोड चेंज होंगे। सब स्विचेस के मोड चेंज होंगे, बस ये ध्यान रखना है। और ये हमारे जो VLAN है तभी हमारे रेप्लिकेट होंगे जब हम इनको सेम डोमेन पर रखेंगे और सेम पासवर्ड होगा, ठीक है। अभी मैंने इसे ट्रांसपेरेंट मोड पर डाला है। ट्रांसपेरेंट पोर्ट का मतलब क्या होगा कि ये VLAN बस खाली सिंक करेगा, जो हम नए VLAN क्रिएट करेंगे उसे अप्लाई नहीं करेगा, बस उनको सिंक करेगा। VLAN की इंफॉर्मेशन मतलब क्लाइंट स्विचेस के पास में भेजेगा, अपने नेबर स्विचेस के पास में भेजेगा, जो भी VLAN क्रिएट होंगे उस VLAN की इंफॉर्मेशन सबको देगा, बट खुद में अप्लाई नहीं करेगा वो, ठीक है। और जो क्लाइंट बन रहे हैं वहाँ पर हमारे VLAN ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। अब देखते हैं VTP पासवर्ड सेम, सबका डोमेन और सबका पासवर्ड सेम रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन सारे स्विचेस पर कर लीजिए आप लोग भी। और जो एक मेन पार्ट है, ठीक है, जो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम इस कॉन्फ़िगरेशन का करते टाइम हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो भी स्विच आपस में कनेक्टेड हैं वो सारे ट्रंक पर जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। अभी हम पहले सबसे पहले वही कर लेते हैं कि हमें अपना एक पहले इनका मोड सेट करना है VTP का, और उसके बाद से डोमेन नेम टाइप करना है, उसके बाद से पासवर्ड सेट करना है।
अगर आपका डोमेन नेम सेम नहीं होगा तो मिसमैच का एरर शो करेगा आपको, ठीक है। चलो ये हमारी पूरी कॉन्फ़िगरेशन हो गई कंप्लीट, ठीक है। अपनी सेटअप का नाम है पार, अब चलो हम सर्वर वाले स्विच पे चलते हैं जिसे हमने एज ए सर्वर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अब हम इसमें सबसे पहले क्रिएट करते हैं VLAN करते हैं, ठीक है। हमने इसको नेम दे दिया है एडमिन, VLAN 20 नेम इसे दे दिया IT, ठीक है। दो डिपार्ट के अकॉर्डिंग हमने दो VLAN बनाई है। अब हम देखते हैं सबसे पहले क्लाइंट स्विचेस पे, सो VLAN देखिए अभी भी हमारा VLAN क्रिएट नहीं हुआ है, क्लाइंट स्विचेस पे अभी भी हमारा VLAN क्रिएट नहीं हुआ है ना, ठीक है। इसके लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि हमें जो स्विच एक दूसरे के साथ तक कनेक्टेड है उन पोर्ट को हमें एज ए ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर करना रहेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं अभी हमारा VLAN अप्लाई नहीं हुए हैं क्लाइंट मशीन पे, तो हमारे पास में जितने भी स्विचेस कनेक्टेड हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं उनको हमें एज ए ट्रंक कॉन्फ़िगर करना रहेगा। एक एक पोर्ट कॉन्फ़िगर करने से सही है, मैं चलो एक बार रेंज लेके चलता हूँ, ठीक है। इंटरफेस रेंज जो जो कनेक्टेड पोर्ट है उनको मैं एक साथ लिख देता हूँ, FH0/3 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ऐसे ही मुझे ये सब जितने भी स्विचेस कनेक्टेड हैं उन सबको मुझे एज ए ट्रंक डिफाइन करना है, उन पोर्टों को जो एक दूसरे के साथ पे दूसरे स्विच से कनेक्टेड है। FH0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये वाला स्विच भी हमारा ट्रंक बन गया है। ट्रंक पोर्ट बेसिकली क्या करता है आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि जो ट्रंक पोर्ट होता है ये हमारा सारे VLANs की जो सारे VLANs होते हैं ना उन सबका डाटा कैरी करता है ये। बाकी जो एक्सेस पोर्ट होता है वो पर्टिकुलर एक VLAN का डाटा लेके जाएगा, अगर हम उसे जिस VLAN का भी पार्ट बनाएंगे उसी का डाटा लेके जाएगा। और जो नेटिव VLAN होती है वो हमारे अनटैग्ड पोर्ट को लेके जाती है, और जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट नेटिव VLAN होता है वो 1 होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ होता है, ठीक है। अभी हमारे सारे स्विचेस एज ए ट्रंक कन्फिगर हो चुके हैं। चलिए अब हम इन्हें देख रहे हैं, सो VLAN की कमांड ये देखिए हमारा ये यहाँ पे अप्लाई हो चुका है VLAN। दूसरे क्लाइंट स्विच का देखते हैं, यहाँ पे भी देखिए, और जो हमने एज ए ट्रांसपेरेंट मोड डिफाइन किया हुआ है इस पर देखो अप्लाई नहीं होगा, बाकी इसने सेटिंग आगे भेजी हुई है VLAN की, ठीक है।
यहाँ आप देख सकते हैं सोविलियन की कमांड से ऐसे ही हम दूसरे वाले सीसीएस पे जाके देखते हैं। यहाँ पर भी हमारा देखो पूरा ये देख सकते हैं आप एडमिन और आईडी जो मैंने सर्वर वाले चीज पे बनाया हुआ था वो सारी वीलन हमें यहाँ पे मिल रही है। 200 वीलन की ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन का हम 200 की कमांड चलाते हैं शो करने के लिए। ठीक है यहाँ पर भी देख लीजिए हमारा एडमिन और आईडी तो वीलैंस हमारी क्रिएट हो चुकी है।